नाइस। तो ये जो आपका पहले विशाल नाम हुआ करता था, इससे कोई बुलाता है अभी भी? हाँ, मेरे पुराने दोस्त जितने सब विशाल के नाम से बुलाते हैं। हाँ क्या? हाँ। तो अभी भी मुझे विशाल बोलते हैं बॉबी डियोल। अच्छा। और मेरा एक और पेट नेम है राजू। तो जितने सीनियर एक्टर्स हैं, हाँ, और जितने सीनियर फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हाँ, वो मुझे राजू बोलते हैं। अरे वाह। तो हाँ, जब मैं डैड के साथ भी शूटिंग पे जाया करता था एंड थिंग्स लाइक दिस, तो एवरीबॉडी यूज्ड टू कॉल मी राजू। तो अमित जी आल्सो सेज राजू समटाइम्स। अरे वाह। तो दिस होल रनवे 34 पे योर यू प्रोबब्ली हैड टू नेम्स बीइंग थ्रोन अराउंड, इज इट? Or was that a more personal thing? Now, on the set, he was calling me more like Ajay. But it's also such a fun thing to be dabbling in energies with another senior actor, no? On set. Another senior actor means who? Amitabh Bachchan. Yeah. He's epic. Yeah. सब सीखने को ही मिलता है। हाँ क्या? मतलब मेरा question जो है वो थोड़ा और intense इसलिए भी है क्योंकि आप director हो। हाँ। तो नाउ हाउ डू यू टेल मिस्टर बच्चन सर एक और कुछ? ही इज अ डायरेक्टर्स एक्टर यार, वो अपने आप को पूरा ढाल देते हैं। आई मीन टाइम पे आना, फिर उसके बाद ही लास्ट क्यू, हाउ डू यू वांट मी टू डू इट, ही इज सो डेडिकेटेड। और फिर उसके बाद अगर आपको टेक ओके भी मिल गया तो ही विल टर्न अराउंड एंड से यार एक और कर लेते हैं यार, नहीं जो चाहिए था मुझे मिल गया, हां नहीं यार फॉर माय सेक यार मैं और अच्छा करूंगा। तो ये दिस काइंड ऑफ एंथुसियाज्म एट द एज ऑफ यू नो हिज एज, सो यस is outstanding. And this is Don Bosco Church. Yes. और school. इस school में मैं शायद 2 साल पढ़ा हूँ। आप वो Silver Beach School में भी देते? वो इसके बाद। इसके बाद। पहले यहाँ था मैं। हाँ। क्या आप पढ़ाकू थे क्या? अरे बिल्कुल नहीं यार। Rhetorically था मेरा question। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ but pass होने लायक था। हाँ। और actually मैं last minute पढ़ता था। अच्छा। मतलब कि अगर 8 दिन बाद एग्जाम है तो पढ़ाई शुरू करता था। सही बात है। तो उसमें 60 के करीब आ जाते थे। आ जाते, नॉट बैड। तो ठीक है, तो तो कोई और थॉट था क्या एक्टर के अलावा कुछ बनने का? फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री पता था, बट फिल्म इंडस्ट्री फॉर श्योर। ओके। एंड देन द स्विच टू प्रोड्यूसिंग हैपेंड इन 2000। अर्लियर ओनली ना? प्रोडक्शन हाउस वाज देन। उससे पहले हो गया। स्विच टू प्रोड्यूसर वाज इन, व्हेन वाज दिल क्या करे, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर। हां मतलब ये 90 लेट 90s। ओके। या एंड देन वी गॉन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ योर ऑफिस आल्सो बिकॉज़ क्या शीतल जू शीतल हां जू शीतल चंदन शर्मा के सामने। हां एंड वहां भी हम लोग बाहर खड़े रह के करते थे, वहां भी बहुत सब दोस्त आ जाते थे मेरे, बहुत मस्ती करते थे उस वक्त बिकॉज़ माय डैड वाज एन एक्शन डायरेक्टर। शाम को जितने कम से कम 100-150 फाइटर वहां आके जमा हो जाते थे। क्या बात कर रहे हो, उधर ही वही स्पॉट पे? हां वही स्पॉट पे बाहर। तो वहां भी बहुत मस्ती चलती थी।